शारदीय नवरात्र जो कि चल रहा है और अलग अलग मूर्तियों का स्थापना अलग अलग पंडालों में भी अब होने लगा है। इसी के साथ आज हम आप पहुँचे हैं कबीर नगर के पंडाल में। आइए आपको ले चलते हैं, यहाँ से पंडाल को दिखाते हैं, साथ ही यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष और पुजारी जी से कि इस बार क्या पूजन विधि है और क्या कुछ खास रहेगा इस बार। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं कबीर नगर के पंडाल पर। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं पंडाल के अध्यक्ष। आइए जानते हैं इनसे इस पंडाल के बारे में और भी बातें। मांडे बाबू मांडे नाम मेरा, और मैं समाज सेवक हूँ और माँ के दरबार में सेवा करता चला आ रहा हूँ पिछले 1988 से। तो जैसे कि इस पंडाल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। हम लोग के आदरणीय चाचा जी हैं रमेश तिवारी, उन्होंने वो और यहाँ क्षेत्री में तीन लोग मुन्नू पांडे उनके सारे लोग मिल करके ये स्थापना किया था। उस समय बहुत परेशानियाँ होती थी, लोग चंदा देने में नकारते थे, किसी तरह माँ का सेवा करते करते इस मुकाम पे आ गए। तो इस बार की बात करें तो इस बार किस थीम पे पंडाल बन रहा है? थीम हम लोग कोई थीम नहीं, बस यूं ही बनवा रहे हैं, जो आ जाए लोग का जाए। अच्छा, जो भी आ जाए, जो अच्छा से अच्छा लगे, मंदिर का रूप भी लग रहा है, कोई रूप ऐसा है नहीं, जो भी आ जाए माँ का सेवा करना है किसी भी रूप में। तो मतलब इसकी लागत में कितना लगा और फिर कैसे चंदा आप लोग कुछ करते होंगे, कोई हेल्प? जो लोग अपने से दे देते हैं, हम लोग कोई किसी से कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप इतना देंगे आप इतना देंगे आप इतना देंगे, स्वेच्छा से जो लोग देता है वो दे देते हैं। घटने बढ़ने पे हम लोग संरक्षक और पदाधिकारी लोग मिल के आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि आपको इतना देना आपको इतना देना, देकर माँ का पूजा हो जाता है। इस बार दुर्गा जी का जो मूर्ति है वो किस क्या थीम है, क्या श्रृंगार रहेगा? यूं ही एकदम बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जो आ जाए। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आपके यहाँ क्या सुरक्षा? हमारे जो वर्कर है, हमारे जो कार्यकर्ता है करीब 100 कार्यकर्ता हमारे अपने हैं, लगे रहते हैं, प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा हमको अच्छा सहयोग मिलता है, सब कुछ हमको सारा कुछ अच्छा से हो जाता है और माँ का आशीर्वाद रहता है कि सब कुछ अच्छे से चला जाता है। पहले हम लोग का पूजा दूसरे तरफ होता था उस पार, लेकिन रोड के चक्कर में कि रोड पे नहीं होगा तो हम लोग इधर आ गए। इधर आने के बाद यहाँ पे करने लगे, हम लोग को सहूलियत हुआ, राहत मिला। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जो कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे पूजन विधि के बारे में। तीर्थराज त्रिपाठी, पुजारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। जी, इस बार की पूजन विधि की बात करें तो माँ की पूजा किस तरह करें? मैं यहाँ के विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा। यहाँ षष्ठी तिथि आज है और षष्ठी तिथि में यहाँ की परंपरा रही है, आशुतोष बाबा भोलेनाथ की सबसे पहले यहाँ रुद्राभिषेक समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद सप्तमी में यहाँ गणेश पंचांग आदि पूजन और माता जी की स्थापना की जाती है। सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिन अहर्निश पूजा चलती है। दसवीं तिथि को हवन करके और माता जी को सम्मान विसर्जित किया जाता है। यहाँ की यही परंपरा रही है आज 15 साल से जो मैं देख रहा हूँ। तो जैसे बात करें कि इसमें किसी तिथि का क्षय भी पड़ रहा है, जैसे 2 दिवस एक ही साथ पड़ता है, अष्टमी नवमी पड़ रही है, तो उसमें वो अपने हिसाब से कर लिया जाता है जैसे भी होता है। और विसर्जन की तिथि क्या रहेगी? दसवीं तिथि में ही विसर्जन होता है। अच्छा। नवरात्र पारणा के बाद दसवीं तिथि में पारणा होती है, 9 दिन तक 9 लोग जो व्रत भी रहते हैं 9 दिन का, वो 9 दिन का व्रत रहे और दसवीं तिथि में पारणा करते हैं, उसी दिन माता जी का विसर्जन करते हैं।